जर बाबरी मशीद पाडली गेली नसती तर सर्वोच्च न्यायालयानं काय निर्णय दिला असता? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असला तरी अचूक नाही, ही लढाई कायदेशीर हक्कासाठी होती, जमिनीची खैरात नको अशी भूमिका ओवेसी यांनी मांडली. राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला. या निर्णयावर MIM चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली. बहुप्रतीक्षित असलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, शरद पवार, सरसंघचालक मोहन भागवत, राज ठाकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केले. मात्र MIM चे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निर्णयावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है. आज का फैसला फेथ की विक्ट्री फैक्ट के ऊपर हुई है. मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा हर कोर्ट की, मगर मुझे अख्तियार है अपनी राय को रखने का और मैं अपनी राय को रख रहा हूं. मैं इज्जत करता था कल भी कोर्ट्स की, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा, और मुझे अख्तियार हासिल है. हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को रखूं, और मैं अपनी बात को रख रहा हूं. मैं तो GS वर्मा साहब, लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया GS वर्मा की बात को रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल. अब आप बताइए इसमें क्या वो गलत बात क्या है उसमें? मेरा सवाल का जवाब नहीं हुआ. मैंने कहा कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ को बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है. देखेंगे आप कोर्ट के फैसले क्या. भैया बीजेपी तो कब से कर रही है, 1989 से कह रही है ना, 1989 से बीजेपी कह रही है पालमपुर का, उससे पहले तो नहीं कहती थी. हमको इसीलिए कह रहा हूं कि कल किसी और मसला उठाएंगे, चलेगा 15-20 साल के बाद, फिर उसको हालात बदलेंगे, क्या क्या होगा नहीं मालूम. उस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया, इस तरह के TV चैनल भी नहीं थे. अब तो माशाल्लाह आप लोग सब हैं मदद करने के लिए संघ परिवार को. वो छींकेंगे तो आप बुखार दिखा देंगे, वो खांसेंगे तो आप मुल्क में हार्ट अटैक दिखा देंगे, और वो मुस्कुराए और हम नहीं मुस्कुराए तो आप बोलेंगे आप क्यों रो रहे हैं. तो आप लोग हैं माशाल्लाह.